गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या भावनाएं उनकी आपके लिए चेक करने वाली हूं मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, इस एनर्जीज को सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की आपको लेकर, क्या है एनर्जीज, क्या है भावनाएं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की रीडिंग करने जा रही हूँ मैं इस वक्त। यदि आप किसी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो आप, या फिर आपके दोनों के बीच में एक वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं, क्या आपका रिश्ता जो है उसका कोई फ्यूचर है, क्या आपका पार्टनर आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, इस चीज को चेक करती हूँ मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में। तो देख लेते हैं एनर्जीज को, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। एनर्जीज अटक रही है, स्टक हो रही है। प्यार आपका जो भी है, जो भी ये पर्सन है आपका, प्यार आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। और ये प्यार जो है ना, इसके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट है। देख रही हूँ मैं कार्ड में जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज अभी कार्ड नहीं आए हैं, पर ये कार्ड ना बहुत कुछ बोल देते हैं बिना आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना इस वक्त, ये एनर्जीज मेरे सामने नहीं है लेकिन वाइब्रेट बहुत तेजी से हो रही है। डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट है, मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है ये। चलिए भाई कार्ड तो दे दीजिए, ये ईश्वर यूनिवर्स डिवाइन, ओ माय गॉड, आगे कार्ड तो, लेकिन ओके ये देखिए आप कार्ड आए भी हैं तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड कौन सा आया है। ठीक है, मतलब साफ है एंजल्स ने आपको साइन दे दिया है। अब आप नहीं समझो साइन को, वो एक अलग बात है, पर एंजल अपना साइन दे चुकी है, एंजल आपको बता दिया है, एंजल ने सामने से बोल दिया है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, ट्रू है ये प्यार, इससे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता आपको। ठीक है, इस व्यक्ति की लाइफ में मतलब इनके साथ आपका फ्यूचर आगे तक जाएगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा आपका रिश्ता। द लवर्स का कार्ड है ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है लवर्स का कार्ड। ठीक है, मतलब आपके बीच में ना डिवाइन कनेक्शन है, कहते हैं ना कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो हम बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ईश्वर हमें बनाकर देते हैं, है ना। तो वही रिश्ता दिख रहा है आपका इस वक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज मुझे दिखाई दे रही है लवर्स के कार्ड के साथ। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज को देखेंगे कि क्या क्या एनर्जीज है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो मुझे दिखाई दे गया है, तो भाई जरूर नो कॉन्टेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगी एक चीज, इनकी जो अंदर की जो भावनाएं दिख रही है ना, मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि इनके और आपके बीच में ना एज डिफरेंस भी हो, क्योंकि कार्ड ऐसा बोल रहे हैं कि एज डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, और है ना इनकी लाइफ में ना लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। जब से ब्लॉक किया है ना आपको, या जब से बात नहीं कर रहे ना, तो उस टाइम से आप देखो कि ये मतलब कितना उदास हो गए हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही ब्लॉक नहीं किया इन्होंने, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं ये आपसे, इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत है। ये भला इनके साथ इस तरह की सिचुएशन हो, एज डिफरेंस हो। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इन्हें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इनके इनको ना मतलब लाइक होता है ना कि मतलब कोई इंसान हर टाइम अपने सामने रखता है, मतलब उसके ऊपर नजर रखता है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। तो कोई है इनके इनका ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना, जो बहुत ज्यादा नजर रखता है इनके ऊपर, है ना। वो भले ही इनको शेयर ना करे, ठीक है, लेकिन ये कब कहाँ किससे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नजर रखता है इनके ऊपर, और उस बात से ना ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है। लड़ाइयां भी बहुत होती हैं इनकी, तभी तो ना ये पर्सन मुझे काफी परेशान दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं इस वक्त। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कहीं कहीं दिख रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप, पेज ऑफ पेंटिकल में बहुत बहुत आगे तक रिश्ता जाएगा आपका, रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। वेंट्स में है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके मिलने के।
पेंटिकल में ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो लेकिन आप इतना ज्यादा, जैसे मैं आपको देख रही हूँ ना, आप तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप जो मतलब आपकी जो ना, मेरे को यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके, मुझे आपके मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं ना, वो आपके एफर्ट्स काम आएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो कि ये लौट आए भाई, ये लौट आए, इनकी आपसे बात हो जाए, आपका रिश्ता बन जाए आगे आगे तक, ये आपका साथ हो। कि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आप इनसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते हो, कोई चीज, सिर्फ इतना चाहते हो कि बस ये आपसे कनेक्ट हो लें, बात कर लें, अपने फीलिंग शेयर कर दें, आपकी सुन लें। मतलब एक होता है ना कि डिवाइन लव है ना, बहुत मुश्किल में मिलता है डिवाइन लव, बहुत लकी लोगों की किस्मत में आता है डिवाइन लव। ठीक है, तो डिवाइन लव है ये आपका, ये पर्सन आपका डिवाइन लव है, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ पर्सन जिसके साथ आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहा है। पेंटिकल में हो ना, क्यून ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जीज में हो गए आप, इंतजार तो आप पक्का कर रहे हो इनका। इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो अपने साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए इनके साथ, है ना। लेकिन आपके जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, जो भी, अगर आप आध्यात्म हो चुके हो, आप इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा मंत्रा जाप करना या कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ जाना, और कहीं ना कहीं तो ये सब एंजल साइन है भाई, ये सब एंजल साइन है, एंजल आपको बोल रही है ना, एंजल आपको बोल रही है कि तुम्हारा प्यार जीतेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कहीं कहीं देख रही हूँ कि इनकी इच्छा है कि आपके साथ मैरिड करें, मैरिज करें, और मैरिज आई थिंक हुई है क्या, मैरिज हुई भी है क्या किसी की, या फिर मैरिज के बहुत ज्यादा मैरिड लाइक मैरिड कपल रहता रिलेशनशिप लाइक, कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं ऐसे एनर्जीज। लेकिन नो कांटेक्ट में सारी चीजें खराब हो गई हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा मतलब उससे क्या हो रहा है ना कि ओवर थिंकिंग आप क्या कर रहे हो, जैसे कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उससे आप ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लव दिख रहा है, कप्स में एनर्जीज आ रही है, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम आ रहे हो आप मुझे। ठीक है, अच्छा, नो कॉन्टेक्ट में इनकी क्या एनर्जीज है आपके लिए, चलिए ये चीज को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो मैंने बहुत देख ली, डिवाइन लव भी देख लिया, वर्किंग प्लेस अच्छा आपका एक हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप कहीं कहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपका कॉन्टेक्ट तो है और बट ये कॉन्टेक्ट अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं, जैसे इनका मन हुआ तो ये बोल लिए, नहीं मन हुआ तो नहीं बोले। लेकिन कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है बड़ा शांत से हो गए हैं आपके पर्सन, बड़ा सैड से रहने लगे हैं, है ना, शांत से, सैड से, चुप चुप से रहने लगे हैं बहुत, है ना। हालांकि थर्ड पार्टी अगर कोई है आपके बीच में भी दिख रही है भाई यहाँ पर, तो थर्ड पर्सन की वजह से ये सोशल मीडिया वगैरह पर हो सकता है कि आपको एक्टिव दिखे, फोटोज वगैरह बदलते रहते हो, या साथ में बाहर जाना थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इनकी अपनी मर्जी नहीं दिख रही है, इनका रिश्ता तो खत्म दिख रहा है थर्ड पर्सन के साथ, खत्म ही दिख रहा है, मतलब एक तरीके से बर्डन है थर्ड पार्टी का, बस उस बर्डन से रिश्ता चल रहा है, वरना खत्म ही दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो रिश्ता, कोई खुशी नहीं दिख रही है। क्योंकि देखो अब आप यहाँ पर कप्स में अगर एनर्जीज को देखोगे, जो कप्स की एनर्जीज होती है ना, वो एक तरीके से आपके पर्सन की इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, कप्स मोस्टली इमोशनल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कप्स कब आए हैं, कप्स की एनर्जीज कब आई है ना, तो ये चीज बहुत मेन करती है। खैर, अभी जो कप्स मुझे दिखाई दे रहा है, उस कप्स का मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपका पार्टनर आपको मिलना चाहता है। ठीक है, और वो मिलकर आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता है आपके अपने रिश्ते को लेकर, नो कांटेक्ट मगर बहुत लंबे टाइम से है, थर्ड पार्टी तो एक्टिव है ही, लेकिन ये पर्सन कुछ नया सोच रहे हैं इनके और आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, संभालना चाहते हैं, सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे, तो काफी ज्यादा हिम्मत जो है इनको आपसे ही मिलती है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें हिम्मत दो, आप इनको ये बता दो कि आप इनका साथ रहोगे और आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे।
अच्छा, एज डिफरेंस इसलिए दिख रहा है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योंकि आप, हो सकता है कि आप एज डिफरेंस में हो, ठीक है, आपके बीच में एक अच्छा खासा है एज डिफरेंस, तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, बट फिर भी आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। इतना बड़ा एज डिफरेंस के बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि पहली चीज तो डिवाइन कनेक्शन, दूसरा इनका दिल आपसे मिलता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जब ये आपको सुनते हैं या आप समझते हैं ना तो इनको बहुत फील होता है ना। आपके बीच में एक इंसान ऐसा है, आप दोनों के बीच में, जो बहुत ज्यादा क्लेवर है और वो पूरी कोशिश यही करता है कि आप मिल ना पाओ, लेकिन उतना ही आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, ये भी चीज मुझे दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन लव हो आप ना डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो। अगर आप इस रिलेशनशिप में अभी भी हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी बराबर आपके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, पार्टनर पार्टनर, इसके मतलब डिवाइन कनेक्शन है, और जब तक डिवाइन आपको मिला नहीं देंगे, जब तक डिवाइन आपको एक नहीं कर देंगे, तब तक आपके दिल से, दिमाग से आपका पार्टनर नहीं जाने वाला है ना। एनर्जीज आपके पर्सन की जो आपके साथ है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप जब तक मिल नहीं जाते तब तक आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अलग नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड लूंगी, लेकिन मेरे को राशियां दिख रही, तो मैं राशियां बोल देती हूँ आपको। तो राशियां जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो राशि मुझे सबसे ज्यादा धनु दिख रही है, कन्या दिख रही है, कुंभ दिख रही है, मकर, सिंह, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, मेष। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है सारी राशियां दिख रही है मुझे तो यहाँ पर, मीन राशि, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि राशियां बहुत होती हैं। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा आपको ये चीज को समझना होगा, हो सकता है कि ये चीज सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर आपके साथ करे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या कुछ ऐसा भी आपको कभी महसूस हुआ है इनके साथ, जैसे इन्होंने आपको चीट किया है, कुछ ना कुछ महसूस किया है आपने जरूर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना ये एनर्जी अभी जस्ट मिली है कि आपको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि छोड़कर चले गए आपको अचानक, सडन सडन जो छोड़कर गए हैं, सडन जो ब्लॉक करके गए हैं ना, उसमें आप बहुत अपसेट हो रहे हो। तो सडन आपका साथ छोड़ा है, सडन ही आपका रिश्ता तोड़ा है, सडन ही ये चीजें हुई हैं आपके बीच में, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स प्योर है आपके लिए, एनर्जीज प्योर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है, काफी ज्यादा प्योर एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि इस वक्त मुझे कुछ राशियां भी दिखाई दे रही हैं, जिसमें इनका साथ आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन हो सकता है स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी धनु, मेष और सिंह, तीन राशियां यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं, अगर इनके साथ कनेक्शन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड यहाँ पर इन राशियों के साथ एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। बाकी का यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं मेरे को, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन और कर्क राशि यहाँ पर बहुत ज्यादा खास दिख रही है, और यहाँ पर वर्गो है, लिब्रा है, और यहाँ पर आपका कैप्रिकॉन, ये भी एनर्जीज यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इनके साथ आपका कनेक्शन अगर है यदि, तो आप बहुत आगे तक रिश्ते में जाओगे। चलिए अभी इस एनर्जीज को थोड़ा सा रीड और करेंगे और देखेंगे क्या है फाइनल आपके दोनों के बीच में, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या कहते हैं एंजल्स कि अगर यदि अभी नो कांटेक्ट में हो तो क्या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो, क्या ये पार्टनर लौट कर आएंगे, क्या खुद से कांटेक्ट करेंगे, या आपको कांटेक्ट करना होगा, इस चीज को देखेंगे। लेकिन इस चीज को देखने से पहले मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ। एक जरूरी सूचना, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कोई भी पेज नहीं है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे ना, मेरी को ना जो है वो ना, मेरी रीडिंग नहीं है, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे सर्च नहीं करिए, केवल यूट्यूब पर हूँ मैं, ओनली यूट्यूब पर हूँ। नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैंने बोला है ये नंबर मेरा ही है, और इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर मुझे एक अच्छी ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही है, और आप इसको कार्ड को देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है।
तो देखो, ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं आपके रिश्ते में, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो कि बेकार की नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रही हैं। तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज किसके ऊपर है, किसमें है, तो ये चीज़ आप देखिएगा। मैंने आपको एक उपाय बताया है, इस उपाय को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है ये। दूसरा, आप शनिवार को जरूर दान करें, ठीक है? आप छाया दान कर सकते हैं शनिवार को, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर राशि के लिए एक अलग दान और हर राशि के लिए एक अलग चीज होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप कनेक्ट करके बात करके आप अगर दान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेल, आपको मैंने ये उपाय बताया है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी आ रही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके मन में अभी भी चल रही है बट उन्होंने शेयर नहीं की है। तो बहुत जल्द आपके पर्सन वो चीज आपके साथ शेयर करेंगे। गिल्ट है इनको, आपके पर्सन को मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है। किसका गिल्ट है ये आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। गिल्ट, पछतावा उनको इस चीज का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ झूठ बोले। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको ये कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने धोखा दिया है, कहा था कुछ और किया था कुछ, क्योंकि वो अचानक से छोड़कर चले गए। लेकिन मैं अभी बोलूंगी कि आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है और वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और अगेन एंड अगेन मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज आ रही है, इन फ्रेम एनर्जीज आ रही है, जो कि हो सकता है कि बहुत जल्द कॉन्टेक्ट हो आपका, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए वो एनर्जीज दिख रही है, वो ग्रो होती हुई दिख रही है, डेवलप होती हुई दिख रही है। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप नेटरों का रीडिंग को जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।